प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त के इस मौके पर आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। आप सब लोगों को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 आज खत्म हो चुका है। इस सीजन के विनर बने हैं पवनदीप राजन। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन ने 5 प्रतियोगियों को मात देकर ये जीत अपने नाम की है। अरुणिता कांजीलाल दूसरे नंबर पर रही है, साइली कामले तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दानिश, पांचवे नंबर पर निहाल और छठे नंबर पर रही है शम्मुख प्रिया। शो के जज सोनू कक्कड़, अनु मलिक और हिमेश रेशमिया के अलावा आज इस शो में फिल्म जगत की कई नामी हस्तियां जुड़ी हुई थी, जिसमें जावेद अली, मनोज, उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक जैसे कई दिग्गज शामिल थे। 12 घंटे चलने वाला ये किसी भी रियलिटी शो का पहला सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले आज खत्म हो गया है और इसके विनर बने हैं पवनदीप राजन। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है पवनदीप राजन। बस नाम ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी मधुर और सुरीली आवाज़ ने हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। इनके पिता का नाम सुरेश राजन है और इनकी माता का नाम सरोज राजन है। पवन राजन उत्तराखंड की पहली लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी के नाती हैं और साथ ही उनके पिता भी उत्तराखंड के लोक गायक हैं। पवन राजन का जन्म 27 जुलाई 1996 को उत्तराखंड के चंपावत में हुआ था। घर में संगीत का माहौल होने के कारण बचपन से उन्हें भी संगीत का शौक था। संदीप संगीत क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए चंडीगढ़ चले गए। अगस्त 2015 में फेमस शो द वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता भी रह चुके हैं। घर में संगीत का माहौल होने के कारण पवनदीप अपनी शिक्षा के साथ साथ संगीत की ट्रेनिंग भी लेते रहे। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंपावत से पूर्ण की और अपना ग्रेजुएशन कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल से की। दोस्तों, उनकी हाइट 5'7" है और उनका वजन 50 किलो है। उनकी बहन का नाम ज्योति दीप राजन और चांदनी राजन है। दोस्तों, पवनदीप राजन को ट्रैवलिंग करने के साथ साथ गाने सुनने का भी शौक है। सोनी इंटरटेनमेंट शो इंडियन आइडल 12 में आज पवनदीप राजन सबसे फेमस हुए हैं और सबकी उम्मीदें भी उन्हीं से बंधी हुई है। दोस्तों, पवनदीप को गिटार, कीबोर्ड, तबला, पियानो के साथ साथ ढोलक जैसे कई संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद है। अपने आने वाले अगले एपिसोड में आप उन्हें तबला बजाकर गाते हुए देख सकते हैं। ज़रूर आपको वो चौंका देंगे। दोस्तों, पवनदीप राजन अभी भी इंडियन आइडल में अपनी मधुर आवाज़ से जजों के साथ साथ हम सभी का दिल जीत रहे हैं। दोस्तों, पवन राजन दीप को इंडियन आइडल 12 के विजेता घोषित करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी आशा करते हैं कि वे इसी तरह अपने मधुर आवाज़ों से हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।